Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा, अक्सर नौजवान हैं। दीन दो बातों का मजमुआ है, एक इबादत और एक अखलाक। इबादत से दीन शुरू होता है और अच्छे अखलाक पर जाकर दीन मुकम्मल होता है। दीन की इब्तिदा, फाउंडेशन, बुनियाद, वो कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और दीन की इंतहा, छत, जहाँ जाके छत पड़ती है, वो अच्छे अखलाक हैं। अच्छे अखलाक से दीन मुकम्मल होता है। दीन की तकमील इबादत से नहीं, अखलाक से है। और दीन की इब्तिदा में इबादत है। इबादत में नमाज सबसे आला दर्जे की चीज़, जो अल्लाह ताला ने 50 नमाजें शुरू में फ़र्ज की, फिर उनको 5-5 करके घटाया और अर्श पर बुलाकर 50 नमाजें अता फरमाईं। देनी 5 थीं, दी 50, सिर्फ ये बताने के लिए कि दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद नमाज के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन फिर बाकी कारोबारी ज़िंदगी में भी हमारा इम्तिहान था, तो अल्लाह ने उसको घटा के 5 कर दी। जब 5 हो गई, अल्लाह के नबी हर दफ़ा आते थे और कहते थे या अल्लाह घटा दे। जब वो 5 रह गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब, तेरे लिए 5, मेरे लिए 50, कि तेरी उम्मत के हर नमाजी को हर नमाज के बदले में 10 नमाजों का सवाब लिखूंगा। तो हम पढ़ने को 5 पढ़ते हैं और लिखे जाने में वो 50 हैं। तो जितना आप, बहुत बड़ा मजमा है, मस्तूर आदमी हैं, आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आज के बाद तौबा तो हमने की है, नमाज ना छूटो। इसके सारे भाई इरादा करते हैं। आप पराए देश में रहते हैं, या मस्जिदों का ऐसा माहौल नहीं है, अपनी आप जॉब पर हैं, काम पर हैं, जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए नमाज ना छोड़ें। अब अल्लाह ने इतनी फिजा ज़रूर बना दी है कि जहाँ भी आप हैं आपको नमाज की इजाज़त देते हैं। ये लोग आपके साथ इंसाफ करते हैं, उन्होंने अपने मुल्कों में इंसाफ किया हुआ है, अदल कायम किया हुआ है, जुल्म नहीं है। आप अमन में हो, अमन के मुल्क में हो, इन्होंने आपको सारे हुकूक दिए हैं। आप पर भी हक है इनका कि आप इनके लिए हिदायत की दुआ करो, इनकी खैरख्वाही चाहो और अपना काम सही करो और नमाज को ना छोड़ो किसी हाल में भी। मस्जिद करीब है तो मस्जिद की दौड़ लगाओ, मस्जिद दूर है तो एक मुसल्ला अपने दफ्तर में रखो, अपने काम की जगह पे रखो और नमाज के वक्त में नमाज अदा करो। और अगर आप अकेले हो तो अजान दो, तकबीर कहो, फिर नमाज पढ़ो। तो आसपास जितनी फिजा है वो गवाह हो जाएगी और आसपास जितने अहले ईमान जिन्नात हैं वो नमाज में शरीक हो जाते। दो हो तो जमात कराओ, चाहे तुम्हारी दाढ़ी नहीं है फिर भी जमात कराओ, एक को आगे करो एक को पीछे करो। 3 हो जमात कराओ, बा जमात नमाज की फिजा बनाओ। सफ़र में जा रहे हो, गाड़ियाँ रोक के बा जमात नमाज पढ़ो, तो इंशाल्लाह ये पूरी एक मुकम्मल दावत है नमाज का पढ़ना। तो इबादात में मेरे भाइयों बहनों नमाज का नागा ना हो। मस्तूरात से कहता हूँ, पर्दे का अहतमाम करो, अपनी बच्चियों को शुरू से पर्दे पर लगाओ, पर्दा उनकी फितरत में शामिल हो, पर्दा करने वाली बने। अपने उनके लिबास में पतलून ना हो, शलवार हो, ये बापर्द बा हया लिबास है। औरत के लिए पतलून, मर्द के लिए पतलून बा हया लिबास नहीं है, तो औरत के लिए कहाँ से होगा। तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्लामी लिबास का आदि बनाओ, प्यार से, मोहब्बत से। यहाँ सख्ती तो चलती नहीं, और सख्ती कहीं भी नहीं चलती, हर जगह प्यार मोहब्बत से ही काम चलता है। अल्लाह ने भी प्यार से ही हमें समझाया है और प्यार से ही हमें अपनी तरफ बुलाया है। कहीं कहीं उसने अंजाम बताने के लिए बता दिया कि जहन्नम भी है, वरना अल्लाह का आम अंदाज पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीन आमन, कितनी इज्जत के साथ अल्लाह हमें बुलाता है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो दूसरी चीज़ जो, तो नमाज की नियत कर ली सारे भाइयों ने, कुरान के लिए ज़रूर वक्त निकालें, तिलावत के लिए कुछ वक्त निकाला जाए। नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके, आप तो हर जगह मसाजिद हैं, उलमा हैं, कुर्रा हैं, कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। साल में 2 दफ़ा कुरान ख़त्म करना कुरान का हक बनता है, और दिल की ज़िंदगी के लिए कुरान सबसे बड़ी ग़िज़ा है। दिल को ग़िज़ा ना मिले तो मर जाता है।
तो दिल को रूह को कुरान की ग़िज़ा ना मिले तो रूह मर जाती है। तो कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकालें। और दूसरी चीज़ जो जिस पर जाकर इस्लाम मुकम्मल होता है वो अच्छे अखलाक हैं। अपने अखलाक को बुलंद करें। सारे अखलाक का खुलासा तीन बातें हैं, तसलु मन क़तअक व तुअति मन हरमक व तअफ़ु अम्मन ज़लमक। जो तोड़े उससे जोड़ो, जो महरूम करे अता करो, जो ज़्यादती करे माफ़ करो। फिर अगर माँ बाप साथ हैं तो उनकी कदर करो। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे एक ओल्ड होम दिखाया साथियों ने, तो उसमें मुसलमान औरतें भी थीं, मुसलमान माएँ भी थीं, जिनके जवान बच्चे हैं और वो माँ की खिदमत से महरूम हैं। क्या बदबख्ती की इंतहा है कि मुसलमान के लिए माँ तो जन्नत का रास्ता है। मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है, और मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और मैं कहता लब्बैक अम्मा जी, लब्बैक या अम्मा, अम्मा जी लब्बैक, नमाज मैं दोबारा पढ़ लूँगा, आप मुझे इरशाद फरमाएँ आपका क्या हुक्म है। जहाँ नबी ने इतना बड़ा मकाम बताया हो, आज देख कर मेरा बड़ा दिल कटा कि मुसलमान माएँ भी ओल्ड होम में पहुँची हुई। तो अपने माँ बाप अगर साथ हैं तो उनको अपनी जन्नत का रास्ता बनाओ, उनकी खिदमत करके उनकी दुआ लेके अपने लिए जन्नत वाजिब कर लो। माँ बाप की खिदमत करने वालों के लिए जन्नत वाजिब हो जाती, और उनके लिए जन्नत में रुकावट सिर्फ मौत होती है कि मौत नहीं आ रही, वो जन्नत में नहीं जा रहे, वरना मरते ही सीधे जन्नत में जाएं जो अपने माँ बाप की दुआ ले लेते हैं, माँ बाप को खुश कर लेते हैं। तो अपने माँ बाप का मकाम समझो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उन पे अल्लाह की लानत, उन पे फरिश्तों की लानत, उन पे ज़मीन आसमान की लानत, ना उनकी नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। तो भाइयों मेहरबानी करो, मेरा अल्लाह कहता है ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वाख़्फ़िज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरा रब कहता है माँ बाप के आगे सर झुका दो, अपने बाजू बिछा दो और उनके ग़ुलाम बन जाओ, उनके आगे उफ ना करो, उनके आगे आह ना करो, उनके आगे हूँ ना करो, उनको मीठे बोल से बुलाओ, तो तुम्हारा रब इस पर तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमाने वाला है। शादी हो गई है, होने वाली है, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। अच्छे सलूक से घर आबाद होते हैं, बुरे सलूक से घर आबाद नहीं होते। अल्लाह के नबी का फरमान है बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवी के साथ। और अल्लाह के नबी का फरमान है जन्नत में मेरे घर के करीब उसका घर होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे और जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। फिर बीवियों को समझाया अल्लाह के नबी ने, एक औरत ने आकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी शादी हो रही है, मेरे खाविंद का मेरे ऊपर क्या हक है। तो आपने फरमाया तेरे खाविंद के जिस्म पर ज़ख़म पड़ जाए, ज़ख़म, और उन ज़ख़मों में पीप पड़ जाए गंदा पानी सफ़ेद पीप पड़ जाए, और तू ज़बान से चाट चाट कर उसके ज़ख़म साफ़ करे तो तूने उसका हक अदा नहीं किया। ज़बान से चाट चाट कर उसका ज़ख़म साफ़ करे तो तूने खाविंद का हक अदा नहीं किया। मर्दों को क्या समझाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और औरतों को क्या समझाया कि खाविंद की इताअत, आपने फरमाया अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता, मेरी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, अगर सजदा जायज़ होता तो मैं औरत से कहता अपने खाविंद को सजदा करे, यानी उसकी इताअत करे। और मर्दों को समझाया कि सबसे बेहतरीन खर्च बीवी पर खर्च करना है, बच्चों पर खर्च करना है, और बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो ये अच्छे अखलाक हैं। आपस में रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, लड़ाई ना हो, आपस में झगड़ा ना हो, आपस में बाइकाट ना हो, आपस में आप किसी से लड़े हुए ना हो। कोई मुसलमान ऐसा ना हो जिससे आप कहो कि मैं इससे नहीं बोलता, मेरी इससे बातचीत बंद है, ऐसा एक भी ना हो। अगर कोई है तो उठते ही तौबा करके उससे माफ़ी मांग लो, तो अल्लाह के दरबार में आपका मकाम बुलंद हो जाएगा। जब दो मुसलमान आपस में इस लड़ पड़ें और वो सुलह ना करें तो अल्लाह ताला उनके आमाल मर्दूद कर देता, ना नमाज कबूल, ना रोज़ो कबूल, ना हज कबूल। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब तक ये सुलह नहीं करते इनका कोई अमल कबूल नहीं है।
तो आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, आप पराए देश में हो, ना मज़हब के नाम पे लड़ो, ना रिश्ते नाते के नाम पे लड़ो, ना आपस की सियासी बातों पर लड़ो, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रखो। अल्लाह को बहुत पसंद है एक दूसरे का ख्याल करना। एक आदमी आएगा क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला के फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह इसके खाते में कोई अमल कोई नहीं, इसके खाते में कोई अमल कोई नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, हाँ भाई कोई है तेरे खाते में अमल या खाली हो? कहेगा, या अल्लाह एक है और कुछ नहीं, एक है और कुछ नहीं। अगर तू उसे समझे तो एक है। तो क्या है? का मैं कारोबारी आदमी था जिसको पैसे देने होते थे उसको तंग नहीं करता था, मौके पे पैसे पहुंचाता था, और जिससे लेने होते थे वो जितना ही तंग करता था मैं उसको तंग नहीं करता था, मैं चुप करके वापस आ जाता था, कभी उसको बेइज्जत नहीं किया। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो बहुत होता है, चूँकि काम उधार पर चलता है, यहाँ भी उधार पर ही है सारा काम, तो उधार पे काम होता है तो जिसने लेना होता है वो गालियां निकालता है, जिसने देना होता है वो इनकार करता है। तो वो कहने लगा, या अल्लाह बस एक ही था मेरा, जो नहीं दे सकता था उसको माफ कर देता था, जो फेरे लगवाता था उसके फेरे लगा लेता था, उसको कहता क्वेश्चन, और जिसको देना होता था उसको मौके पे देता था। तो अल्लाह ताला कहेंगे, तूने तो मेरे बंदों को बड़ा भला चाहा, तो आज मैं तेरा भला करता हूँ, सिर्फ इसी अमल पर तेरे लिए जन्नत का फैसला। तो अल्लाह के बंदों से भलाई बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। वक्त के जुनैद बगदादी बन जाओ, दो काम कर लो, एक जबान पे काबू पा लो, तुम्हारी जबान से किसी का गिला ना हो, किसी की गीबत ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी की शिकायत ना हो, किसी को गाली ना दो, किसी का किसी के लिए बुरा बोल ना बोलो, एक अपने दिल को बुगत से साफ रख लो, तो इंशाल्लाह वक्त के जुनैद बगदादी अल्लाह तुम्हें बनाएगा। तो ये चंद बातें थीं आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी।